अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडसॉर्प्शन ऑफ डाइज या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन की ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें ये आज तकरीबन तकरीबन लास्ट टॉपिक है जो कि रीजनरेशन का आता है या रिसाइकलिंग का आता है। इसके ऊपर हमने एडसॉर्प्शन को स्टडी किया, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन को स्टडी किया कि एडसॉर्प्शन क्या है, फिर डाइज पे आ गए, डिफरेंट एडसॉर्बेंट्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने इसकी पूरी जो प्ले लिस्ट है उसमें पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन को स्टडी किया, कौन से पैरामीटर स्टडी करने होते हैं, उनका क्या एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, क्या रिजल्ट आते हैं उनके, पॉसिबल आउटकम्स, हमने उनके ग्राफ स्टडी किए, उनकी एक्सेल शीट बनाई, उनकी सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखी। और उसके बाद इससे पिछली वीडियो में हम डिसॉर्प्शन स्टडी को स्टडी कर चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो कि बहुत से रिव्यूज़ भी रिकमेंड करते हैं कि आप पेपर में ऐड करें। आज का जो टॉपिक है डेट इज़ रिसाइकलिंग या रीजनरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसॉर्प्शन के बाद ये वाला टॉपिक या पैरामीटर स्टडी किया जाता है, क्योंकि जो डिसॉर्प्शन है उसमें जब एडसॉर्बेंट अलग हो जाता है एडसॉर्बेट से या डाई से या कोई भी मेटल आयन जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसके बाद वाला जो डिसॉर्ब्ड एडसॉर्बेंट है हम उसी को अच्छी तरह वाश करके विद द हेल्प ऑफ डीआयनाइज्ड वाटर या डिस्टिल वाटर या सम केमिकल, फॉर एग्जांपल मेथानोल, एथानोल, कोई अल्कोहल यूज़ करके उसको अच्छी से वाश करके उसको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि उसको बार बार यूज़ करना, ठीक है, डेट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ रिसाइकलिंग या रीजनरेशन। तो रीजनरेशन अब बार बार यूज़ करना है, उसका पूरा प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपके सामने ये पेपर रखा है जो कि द जर्नल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री सी, ये ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का पब्लिशर है उसका। ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये पब्लिशर भी बहुत अच्छा है और ये जर्नल भी बहुत अच्छा है। इसमें एडसॉर्प्शन या फोटोलाइटिक या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के पेपर्स बहुत ईजिली पब्लिश हो जाते हैं। ईजिली नहीं, मतलब इसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, आपका हाई क्वालिटी पेपर होना चाहिए। और इसी में हम स्टडी करते हैं कि इन्होंने रीजनरेशन कैसे की है और कितने साइकिल तक की है, कितने साइकिल का मतलब है कितनी दफ़ा उस एडसॉर्बेंट को यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन्होंने कैटालिस्ट यूज़ किया है, बिस्मथ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फोटो कैटालिस्ट। इट मीन्स कि इन्होंने यूवी लाइट की मौजूदगी में ये पूरा प्रोसीजर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूवी लाइट की मौजूदगी में, यानी कि लाइट की मौजूदगी में काम किया और कैटलिस्ट यूज़ किया है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल एडसॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, ये भी एडसॉर्प्शन ही होनी है, यहाँ पे भी डिग्रेडेशन मीन एडसॉर्प्शन ही होनी है। डिग्रेडेशन में भी पहला स्टेप एडसॉर्प्शन का होता है, कोई चीज़ दूसरे के ऊपर एडसॉर्ब होती है फिर वो उसको डिग्रेड करती है, तोड़ती है। तो यहाँ पे वो कोई नैनो कंपोजिट यूज़ करें, कोई कैटलिस्ट यूज़ करें, या आप कोई बायोजॉर्बेंट यूज़ करें, बायोजॉर्बेंट मीन आप कोई बायोकार बना लें, या आप सिंपल कोई वेस्ट, प्लांट वेस्ट ले लें, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें। तो आप जो भी एडसॉर्बेंट चूज़ करो, जिस भी टाइप का हो, आइदर इट इज़ अ कैटलिस्ट टाइप और अ बायोजॉर्बेंट, आप उसकी रीजनरेशन करवा सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि ये जस्ट फोटो कैटलिस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक हो गया। दूसरी इसमें जो बात है कि इन्होंने इसकी सारी रीजनरेशन कैसे की है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये इनका रीजनरेशन या रीयूजबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, इनका ये कंपोजिट बनाया है, ये कंपोजिट इन्होंने यूज़ किया है, इसको इसके ऊपर इन्होंने एडसॉर्प्शन करवाई थी, डिग्रेडेशन करवाई थी AB1 डाई की, ठीक है। अब इसको उन्होंने डिसॉर्ब करवा लिया, यानी कि हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है पैरामीटर, पिछली वीडियो अगर आपने वो देखी हो डिसॉर्प्शन वाली, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वाला टेम्परेचर कर लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला जो पैरामीटर उसको आप स्टडी कर लो, उसके बाद आपने डिसॉर्प्शन करनी है। डिसॉर्प्शन के बाद आपने एक्सपेरिमेंट करना है ये रिसाइकलिंग का, क्योंकि डिसॉर्प्शन करने के बाद जो आपके पास एडसॉर्बेंट बचेगा, मतलब अब वो डिसॉर्ब हो चुका है, उसमें से डाई अलग हो चुका है, एडसॉर्बेंट अलग हो चुका है, उस एक दफ़ा जो आपने एडसॉर्बेंट यूज़ कर लिया था उसी एडसॉर्बेंट को दोबारा लेना है आपने, उसको
अच्छे से वॉश करना है डिस्टिल वाटर के साथ या डीआयोनाइज्ड वाटर जो आपके पास लैब में अवेलेबल है। वॉश इस तरह करना है कि पानी के अंदर डाल के उसको अच्छे से शेक करना है ताकि वो सारे का सारा थोरली मिक्स हो जाए पानी के साथ। फिर आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है, 3 से 4 दफ़ा आपने उसको वाटर के साथ ऐसे ही उसको वॉश करना है अच्छे से। अगर आपको लगे कि इसके अंदर अभी और इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ मीन इसके अंदर अभी डाई एड्जॉर्ब हुआ है, सारे का सारा अभी डिजॉर्ब नहीं हुआ था, तो आप उसको मेथानॉल के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन मेथानॉल बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है मेथानॉल का, ठीक है। आप जितना रिक्वायर्ड हो उस कंडीशन के मुताबिक, यानी कि एडजॉर्बेंट को कितनी ज़रूरत है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके मेथानॉल का उसको डाइल्यूट कर लें, फिर उससे अच्छी तरह वाश कर लें और उसको बाद में फिल्टर कर लें। मेथानॉल से वाश करने के बाद अगेन आपने डिस्टिल वाटर के साथ उसको वाश करना है ताकि मेथानॉल का भी जो इफ़ेक्ट है या उसका भी जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू था वो भी वाश हो जाए। मीन्स टू से आप ट्राई करें कि आपको मेथानॉल, एथानॉल या कोई भी अदर अल्कोहल या कोई भी अदर सॉल्वेंट यूज़ करना ही ना पड़े। आप जस्ट डिस्टिल वाटर के साथ ही अच्छी तरह उसको वाश कर लो, थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, अच्छे से स्टिर करके शेक करके उसको फिल्टर कर लो ताकि आपके पास एडजॉर्बेंट दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए। फिर आप उसको अगेन एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ करो, ठीक है। ये इसको जो अब आपके पास वाश करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो एडजॉर्बेंट आएगा डेट इज़ कॉल्ड रिसाइकल्ड एडजॉर्बेंट या रिकवर्ड एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ सबसे पहले उसे वाश किया, उसके बाद उसे मेथानॉल के साथ वाश किया है और उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन कर दी है। ट्राई करें कि आपको कोई अल्कोहल या कोई भी सॉल्वेंट यूज़ ना करना पड़े, डिस्टिल वाटर के साथ ही आपकी अच्छी वाशिंग हो जाए। रिकवर्ड कैटलिस्ट जो फिल्ट्रेशन के बाद आएगा आपने उसको ड्राई करना है हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास लैब में ओवन अवेलेबल है। आप उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ऑलरेडी लिटरेचर में मेंशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड का जैसे इन्होंने लिखा है कि 100 पे आपने ड्राई करना है 90 मिनट्स के लिए, तो इट मींस कि इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, या इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप 120 पे इसको हीट करोगे तो वो उसके वोलाटाइल वेपर जो है कंपोनेंट्स वो सारे वेपोरेट हो जाएंगे वेपर्स की शक्ल में, तो आपकी एडजॉर्बेंट या कैटलिस्ट डिग्रेड हो सकता है या वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपका जो भी जॉर्बेंट है, बायोजॉर्बेंट है या कैटलिस्ट है, उसका लिटरेचर में कितना टेम्परेचर मेंशन है और कितना टाइम मेंशन है, उतने टाइम और उतने टेम्परेचर पे आपने एडजॉर्बेंट को ड्राई करना है ओवन में, हीटिंग ओवन जो लैब में आपके पास अवेलेबल होगा, आइदर इट इज़ अ हीटिंग ओवन और हॉट एयर ओवन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसको दोबारा एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ करना है, वही सारे पैरामीटर्स रन करवाने हैं, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच भी स्टडी करनी है, इफ़ेक्ट ऑफ एडजॉर्बेंट डोज भी, इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम भी, इफ़ेक्ट ऑफ इनिशियल डाई कंसनट्रेशन भी, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी स्टडी करना है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आप उसी तरह जो हम फर्स्ट टाइम आपने स्टडी किए हैं, जो कि पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेप बाई स्टेप, वही सारे पैरामीटर्स आपने स्टडी करने हैं इसी रिकवर्ड एडजॉर्बेंट को यूज़ करके, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसको अगेन वॉश करना, इसको कहेंगे दूसरा साइकिल, यानी कि पहला साइकिल वो था जो हमने पिछली वीडियोस में स्टडी किया, इफेक्टिव टेम्परेचर के बाद डिजॉर्प्शन करवा ली और उसके बाद हम डिजॉर्प्शन करवा लेंगे, तो वो पहला साइकिल था, पहला रन था उसका। सेकंड रन अब ये होगा कि उसको रिकवर्ड करके दोबारा यूज़ करें, ये दूसरा साइकिल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि इसको सेकेंड रन के लिए यूज़ करें। फिर उसके बाद आपने अगेन सारे पैरामीटर स्टडी करते करते इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाना है, फिर डिजॉर्प्शन स्टडी करनी है, डिजॉर्प्शन स्टडी करने के बाद उसको दोबारा रिसाइकल करना है, फिर अगेन से यूज़ करना है, फिर सारे यही पैरामीटर्स आपने स्टडी करते जाना है, इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच, इफ़ेक्ट ऑफ एडजॉर्बेंट डोज, इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम, इफ़ेक्ट ऑफ डाई कंसनट्रेशन, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यही करते जाना है। उसके बाद डिजॉर्प्शन करनी है आपने, उसके बाद अगेन रिजनरेशन करनी है। ये जो तीसरी दफ़ा आपके पास एडजॉर्बेंट अब रीजनरेट हो गया है, अब आपने इसको अगेन यूज़ करना है चौथे साइकिल के लिए, फिर यही सारे पैरामीटर स्टडी करने हैं। तो उसके बाद आपने हर साइकिल की जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली जो रीडिंग है परसेंटेज वाली, आपने उनको नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि वो आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला फाइनल पैरामीटर है, लास्ट पैरामीटर है, ठीक है। तो आपने उनकी परसेंटेजेस को नोट करते जाना है और उनके दरमियान फिर ग्राफ प्लॉट करना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि पहली दफ़ा जब आपने एक्सपेरिमेंट लगाया फर्स्ट रन में आपका कितने रिजल्ट आए, कितनी परसेंटेज आई थी,
फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहली दफ़ा जब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया था तो आपकी 96% रिमूवल आई, यहाँ पे 96 राउंड अबाउट है। तो आपने क्या करना है, आपने कहा जी पहली दफ़ा हमारी जो ओरिजिनल एडसॉर्बेंट था, वॉशिंग किए बगैर, डिजॉर्ब किए बगैर जो ओरिजिनल आपके पास था, आपने उससे किया तो आपके 96% रिजल्ट आए। दूसरे दफ़ा आपने उसी को वॉश करके डिसल वाटर के साथ अगेन वही प्रोसेस रिपीट किया तो आपके परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 94 हो गई हम कह लें, फिर आपने तीसरी दफ़ा फिर यूज़ किया, फिर उसकी थोड़ी सी और कम हो गई, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1 या 2% का डिफरेंस आया इसके दरमियान। फिर चौथे साइकिल के लिए भी आपने इसको यूज़ करना है, पांचवें साइकिल के लिए यूज़ करने को रहने दें, क्योंकि ज़्यादातर आपको पेपर्स में या तो 2 साइकिल मिलेंगे या 3 या 4। तो आई सजेस्ट कि आप 4 साइकिल कर लें, डेट्स एनाफ। अगर 4 नहीं करने तो आप 3 साइकिल भी कर सकते हैं, 5 करना ज़रूरी नहीं है। आप 4 साइकिल तक कर लें इसको, प्रोसेस को रिपीट, तो डेट्स एनाफ फॉर गुड रिसर्च पेपर और गुड थीसिस, ठीक हो गया। और यहाँ पे इन्होंने 5 किए हैं, आप 4 साइकिल कर लें, 4 दफ़ा उसको बार बार यूज़ कर लें, तो उसके बाद उनके रिज़ल्ट अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने रिज़ल्ट मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा है कि पहली दफ़ा फर्स्ट साइकिल में उनकी जो परसेंटेज आई थी वो 97% आई थी, दूसरी दफ़ा जब वॉश करके उन्होंने उसको अगेन यूज़ किया तो 96%, 1% कम होगी उनकी एफिशिएंसी। तीसरी दफ़ा 94 आई, चौथी दफ़ा फिर 94, पांचवी दफ़ा फिर 94, यानी कि यहाँ पे आके वो कॉन्स्टेंट हो गई। अब उसको जितनी बार मर्जी यूज़ करते जाएँ वो एफिशिएंसी उसकी मज़ीद कम नहीं हो रही इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंज इन डिग्रेडेशन एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर सेकेंड रन, यानी कि दूसरी रन के बाद उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया, 94% ही आ रही है। तो इससे हमें फिर, यानी कि उन्होंने इनका एक्सआरडी स्पेक्ट्रा भी आगे लिया है, एक्सआरडी स्पेक्ट्रा से उन्होंने उसको कंपेयर किया कि बिफोर रीजनरेशन एंड आफ्टर रीजनरेशन उनके रिजल्ट मैच किए या नहीं। तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ओरिजिनल जो आपका एडसॉर्बेंट है, क्योंकि एक्सआरडी ज़्यादातर बायोजॉर्बेंट की नहीं करवाई जाती, ये कंपोजिट कैटलिस्ट की करवाई जाती है। तो अगर आप सिंपल बायोजॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सआरडी करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी होती है। एक्सआरडी होती है कोई कंपोजिट है, कोई नैनो कंपोजिट है, या कोई आपके पास एसएच फोटो कैटलिस्ट है जो कि कम्बिनेशन है दो डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो उनके केस में की जाती है। और इसकी वीडियोज़ अलग से मैं बनाऊँगी, एक्सआरडी, एफटीआईआर, सेम की, टेम की, तो उनके अलग से वीडियोस भी बनाऊंगी और उनमें बताऊंगी कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं और इनको इनके डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, रॉ डाटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में यहाँ तक बताना ये मकसद था कि आपने इस तरह रीजनरेशन करनी है तो उसके बाद आपने जो रिज़ल्ट लिखना है वो ये लिखना है कि रिजल्ट कैटलिस्ट कैन बी रीयूज फॉर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि हमारा रिसाइकलिंग का पर्पस ये था, हम इसलिए करना चाह रहे थे, हम ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि हमारा सिलेक्टेड एडसॉर्बेंट इतना एफिशिएंट है कि वो एक दफ़ा ही सिर्फ यूज़ नहीं हो सकता बल्कि बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, हम इसको हर दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप डिस्टिल वाटर के साथ हमें कोई और केमिकल, कोई और सॉल्वेंट वाश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट डिस्टिल वाटर के साथ ही वाश करके उसको, पहले हमने इसकी डिजॉर्प्शन जब करवा देनी है उसके बाद उसको जस्ट डिस्टिल वाटर के साथ वाश करके हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं अप टू 4 साइकिल तक। और ये एक इकोनॉमिकली फिजिबल मेथड है कि हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करें। 3 आवर्स रूल के अकॉर्डिंग, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही एक फेमस रूल है और वेल नोन रूल है और आजकल वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल भी है हर चीज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा मेथड रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत ही एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है। और ये रीजनरेशन स्टडी से ये बात हमें साबित हो गई, कंक्लूजन इसका ये निकला, प्रूफ ये निकला कि हमारा एडसॉर्बेंट या हमारा प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि वो बार बार यूज़ हो सकता है, इसमें एज सच कोई कॉस्ट नहीं लगती। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए माइनर लगेंगी, अगर कॉस्ट होगी भी तो इतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी एडसॉर्प्शन का कहा जाता है कि ये इसकी जितनी भी मशीनरी है, या मशीनरी में हमें आप देखें तो हमें जस्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की ज़रूरत पड़ी
और इसके अलावा हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की ज़रूरत है, कुछ माइनर सेपरेटर्स है जिसमें फ़िल्ट्रेशन वगैरह का है या बीकर्स हैं ये आ जाती हैं, और इसके बाद ग्राइंडिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ी थी वो ग्राइंडिंग मशीन से, FTIR और सैम हमने करवानी है, XRD अगर आपका कंपोजिट है तो उसकी करवा लेंगे। तो हमें एज सच हाई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल NMR करवाने लग जाएं या कोई और उनका टेस्ट करवाने लग जाए, तो इसलिए एडसॉर्प्शन को ये फिजिबल मेथड कहा जाता है, इकोनॉमिक कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ता और इसके लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, उनको यूज़ भी इजीली किया जा सकता है, कोई ऐसा आपको हाई लेवल की एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तक आई होप कि रीजनरेशन या रीयूजबिलिटी या रिसाइकलेबिलिटी का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। आपने क्या करना है, पहले एक पैरामीटर सारे स्टडी कर लेने हैं, उसके बाद उसको डिसॉल्व करवाना है, रिसाइकल करवाना है, उसको दोबारा यूज़ करते जाना है, फिर दूसरा साइकिल हो जाएगा, फिर दोबारा यूज़ करना है तीसरा साइकिल, फिर दोबारा यूज़ करना है वाश करके तो वो चौथा साइकिल हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साइकिल या रन लिख लें और वाई एक्सिस पे आपने परसेंटेज लिख लेनी है, ग्राफ लोड कर दें और आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। डेट्स ऑल अबाउट रीयूजबिलिटी रिसाइकलेबिलिटी ऑफ द बायोसॉर्बेंट या कैटलिस्ट। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ उसका। आपने सारी रिसर्च स्टडी कर ली, सारा प्रोसीजर देख लिया, उसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जब हम रीयूजबिलिटी भी कर लेंगे, फ़र्ज़ करो हमने पहली दफ़ा उसको यूज़ किया, उसके बाद हमने उसको दोबारा यूज़ कर लिया, फेंका नहीं, डिस्कार्ड नहीं किया, फिर तीसरी दफ़ा उसको दोबारा यूज़ किया, ठीक है, फिर चौथी दफ़ा हम अगेन उसको यूज़ कर रहे हैं, अप टू फोर्थ साइकिल मैंने कहा ना आपने करना है, फिफ्थ साइकिल को स्किप कर दें। तो फोर्थ साइकिल के बाद क्या आपको बायोसॉर्बेंट डिस्कार्ड करना पड़ेगा, आप उसको डस्टबिन में एज इट इज़ डिस्कार्ड कर दोगे या वॉश बेसन में ऐसे डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने का मकसद क्या है, वाटर पोल्यूट ना हो, पोल्यूशन ना हो, हम पोल्यूशन को पहले रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब जो फोर्थ साइकिल के बाद रिजॉर्बेंट बचेगा उसको कहाँ डिस्कार्ड किया जाए, उसको डिस्कार्ड करने का बेस्ट वे क्या है ताकि ना पोल्यूशन क्रिएट हो ना वाटर पोल्यूट हो मज़ीद, क्योंकि अगर हम डाई को रिमूव करके हम दोबारा उसके अंदर जो एडसॉर्बेंट है वो वाटर में डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पोल्यूशन तो फिर पैदा हो रही है, एक चीज़ को रिमूव कर लिया दूसरी चीज़ पैदा किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको कहा जाता है डिस्पोजल ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ एडसॉर्बेंट या सेफ डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एडसॉर्बेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक माइनर सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको ये चैनल या इससे मुतलिक जो भी वीडियोस हैं अगर ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगें, ज़रा सी भी अच्छी लगें, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेफ डिस्पोजल ऑफ एडसॉर्बेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।